तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी देसी चिकन। तो गाइस आपको ये अगर देसी चिकन खाना बहुत पसंद है मेरी तरह तो आप ये मिस ना करें जरूर, क्योंकि देसी चिकन का मैंने जिसमें सर्च किया था बहुत कम वीडियो मुझे मिला। तो इसीलिए मैं सोचूंगी आप सबके साथ शेयर करूँ और इस रेसिपी के थ्रू आप भी बना पाओ नेक्स्ट टाइम यम्मी स्पाइसी डिलीशियस देसी चिकन। तो मैं यहाँ पे चिकन ली हूँ 400 ग्राम। तो हियर इज माय मसाला कंटेनर, इट्स अ सॉल्ट, दिस इज रेड चिली पाउडर, दिस इज कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड टर्मरिक, और दिस इज मिक्स मसाला, दिस इज मतलब मीट मसाला सॉल्ट। एंड यहाँ पे मैं रखती हूँ भुजा हुआ कोरिएंडर, क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर मिक्स करके और इसका एक स्मूथ टेस्ट बनाऊंगी, रफ टेस्ट। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेस्टेड सॉल्ट डाल लूंगी। सॉल्ट आप थोड़ा सा ऐड करो, क्योंकि सॉल्ट सब्जी बनाने के समय ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो ठीक रहता है, राइट। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल दूंगी, आप कितना सॉल्ट खाते हैं अपने हिसाब से डाल दिया करो। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगी टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करके डालना है बिकॉज मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट के लिए सारा मसाला एक एक करके डालना है इसमें। तो ये रहा टर्मरिक पाउडर जो कि डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर ये स्पाइसी वाला नहीं है, ये है कलर करने वाला। तो इसमें कलर अगर अच्छा डालना है तो थोड़ा ज्यादा करके डालना पड़ेगा। ये हो गया रेड चिली पाउडर। अब इसमें कोई और मसाला मैं नहीं डालूंगी, मैंने दिखाया बहुत सारा मसाला बट इसमें बस वो 3 चीजें मुझे ऐड करनी थी, सॉल्ट, टर्मरिक एंड रेड चिली पाउडर, राइट। देन इसके बाद मैं इस पे डालूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल के जो मैरिनेट करने के तरीका है ना गाइस, वो एक देसी स्टाइल तरीका है। ओके, तो इस तरह से अगर आप मेरी तरह से मैरिनेट करके रखो फ्रीज में 30 मिनट के लिए, तो आप जब बनाओगे ना सब्जी और जब खाओगे तब आपको पता चलने वाला है देसी चिकन का टेस्ट क्या होता है देसी स्टाइल में। मैरिनेट किया हुआ चिकन, प्याज के अंदर और चिकन के अंदर सारा मसाला घुस जाए। और एक चीज़, एक टिप्स जो मैं शेयर करूँगी, चिकन जब आप लोगे ना, खरीद के लाओगे बाजार से, तो बाजार में कहना कि चिकन के लेग पीस अगर आप लेते हो तो उसे कट करके देने के लिए, ताकि उसके अंदर जब सब्जी बनाओ ना उसका मसाला अंदर तक जाए। तो इस तरह से कुछ आपको टेस्ट करें, इस तरह से कुछ आपको
बनाने का। तो चिकन बनाने के लिए मैं प्रेस्टीज का 3 लीटर वाला कुकर यूज कर रही हूँ। कुकर में देसी चिकन बनाने से चिकन अच्छे से और बहुत जल्दी तरीके से सीख जाता है। और क्या क्या बना रहे हो आप? दाल। अच्छा भात। हाँ, आप चिकन आज खाओगी? नहीं खाओगी? तुम्हारे लिए तो यहाँ पे मैंने अभी तक मर्चा ऐड नहीं किया है बाबू। आपके लिए पहले मैं निकाल दूंगी, सुनो ना मेरा बात। आपके लिए हम पहले निकाल देंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। द कंडीशन ऑफ माई किचन रूम, आप लोग देखो गाइस, मतलब क्या की है मेरा किचन का हालत। मतलब खाना बना रही हूँ मैं, लेकिन हालत खराब कर दी है मेरी बेटी ने। क्या लगा है पैर में? ये सब कौन किया है? कौन किया है ये सब? माँ की है। ये सब कौन किया है? तुम की हो तो माँ क्यों बोली? मम्मी की है। तुम की हो ना, झूठी लड़की। अच्छा मानवी पुक कैसे करती है? मानवी पुक कैसे करती है ना, आवाज करो मुंह से। ऐसे करती हो, ऐसे करती हो। अच्छा बताओ, हमको बताओ, हमको बताओ, आप अभी चिकन खाओगी ना? खाओगी तो बोलो हाँ। हाँ बोलो। ओके, हो गया। यहाँ पे मैं ब्राउन राइस भिगा के रखी हूँ, क्योंकि कभी कदर मैं ब्राउन राइस खा लेती हूँ। डाइटिंग के टाइम मैंने जो ब्राउन राइस मंगवाया था वो अभी भी रखा हुआ है, तो इसीलिए मैं कभी कदर खा लेती हूँ। वैसे भी आजकल मेरा पेट ठीक चल नहीं रहा है, मतलब हमेशा पेट दर्द करता रहता है, तो मैं सोच रही हूँ कि वाइट राइस के बदले आज मैं ब्राउन राइस ही खाऊँ। और ब्राउन राइस जो है ना, बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। चला दी थी, उसके बाद मैं इसको रखी हूँ। थोड़ी देर बात करके इसको खुंती के हेल्प से चलाना है। सो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट तेल छोड़ दिया है, और चिकन पे अब डालने का बारी जो है वो है ये चीज। सो ये है टमाटर। टमाटर डालने से चिकन का जो जूस है
वो और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है। तो चिकन डाल सकते हैं, अदरवाइज आप खट्टा दही भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चिकन ही यूज़ कर रही हूँ। सो आफ्टर एडिंग टोमेटो गाइस, सी कितना जूसी हो गया है ये देसी चिकन करी। और अब इसमें मैं डालूँगी वार्म वाटर। वार्म वाटर चिकन या मटन आप कुछ भी बनाओ, कोई भी करी में आप अगर वार्म वाटर ऐड करो ना, तो इससे आपका जो सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डबल हो जाती है। इसका जो जूस रहता है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है। तो ये सारा चीज़ फ़ायदा होती है वार्म वाटर से। तो चलो ये कस हो गया है, अब इसमें डालेंगे पानी। ये हाँ लाडू, तो ये रहा वार्म वाटर। इसमें अकॉर्डिंग टू जूस ऐड करना है आपको। क्या